तो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन का स्नैपशॉट आ चुका है और जो बेडरॉक वर्जन है उसका बीटा वर्जन आ चुका है 1.20 का। और इसमें भाई काफी ज्यादा नई नई चीजें, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं एक नई बायोम में हूँ, तो भाई नई बायोम आ चुकी है। वैसे तो हमें लग रहा था कि डेजर्ट में ही काम किया जाएगा, पर हाँ डेजर्ट में इसमें भी काम किया गया है और भी, और हमारी नई बायोम देखो भाई। तो इस बायोम का नाम है चेरी ब्लॉसम, ऐसे ही करके नाम है। ये चेरी के पेड़ है, चेरी के पेड़ इनसे चेरी वेरी गिरती है क्या भाई? चेरी मतलब की, ठीक है, ये चेरी की लीव्स है भाई। एक मिनट मेरे को बायोम का नाम देखने दो। ठीक है, चेरी ग्रोव के नाम से बायोम मिलती है, सिर्फ एक ही बायोम है चेरी के नाम से जो कि आपको कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पर चारों तरफ आपको ऐसे पत्तियाँ गिरती हुई मिलेगी और इनकी जो लकड़ियाँ है वो कुछ इस तरीके की मिलेगी जो कि अभी मैं दिखाऊंगा। पर सबसे पहले जो पत्तियाँ गिरी हुई ये दिखा देता हूँ, मैं एक शीयर से इनको निकाल सकता हूँ क्या? पहले एक शीयर टेस्ट कर लेता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ मैं शीयर से। तो जितनी भी पत्तियां इनको हम कुछ अलग तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा, तो देखो अभी एक है और यहाँ पर देखो थोड़े से पौधे भी मतलब ऊपर तक जा रहे हैं। एक और बार इस पे क्लिक करूंगा तो एक और लग जाएगा जो कि ग्राउंड को टच हो रहा है शायद से नीचे से, हाँ नीचे से भी निकल रहा है उसके। तो तीसरा लगाऊंगा, तीसरा ये वाला है और चौथा बिल्कुल ऊपर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेट कंप्लीट होता है। तो मैं चार चार करके लगा सकता हूँ और जहाँ से भी आप निकालोगे ना वहाँ से आपको चार चार ही मिलने वाली है, बस ये चार चार होनी चाहिए। ये तीन वाली है तो तीन वाली से तीन मिलेगी। और हाँ एक चीज़ तो आपको पता ही है कि जब भी ट्री आता है कोई भी नया, जैसे पिछली बार मैंग्रोव ट्री आया था वैसे ही उसके साथ सामान भी आता है। तो अगर मैं चेरी सर्च करूँ तो इतना सारा सामान आने वाला है चेरी का, मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीजें। ये हमारे नॉर्मल लोग हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं भाई, अच्छे लग रहे हैं। मैंग्रोव के भी इतने अच्छे लुक नहीं देते जितने अच्छे ये लुक दे रहे हैं। और इनका अभी लुक पता है क्यों अच्छा लगेगा, अभी आगे देखते रहो भाई। ये हमारे दूसरी वाली लकड़ी है, मतलब कि पूरा का पूरा ब्लॉक, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा, बस ऐसा नहीं दिखेगा। तीसरी हमारी जो सबसे खास चीज़ है वो है ये वाली लकड़ी भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जितनी भी स्ट्रिप वाली लकड़ियाँ हैं ना उनमें से सबसे बढ़िया मुझे ये लग रही है। मैं अगर हमारी जो पिछले वाली आई थी मैंग्रोव की, ए मैंग्रोव नहीं है, मैंग्रोव ढूंढना भाई, हाँ मैंग्रोव की, तो मैंग्रोव की भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगती, थोड़ी डार्क लगती, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है। तो वैसे देखा जाए ना इन दोनों का मिक्सअप भी हम कर सकते हैं, दोनों के साथ मैच कर रही है कलर, मैंग्रोव के साथ ये मिक्सअप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो भाई, सच में अच्छा लग रहा है। और इसका कलर तो बढ़िया है, बाकी इसके प्लैंक कोई इतने वैसे बढ़िया नहीं है, बस पिंक पिंक थोड़ी सी शेड है, पर ठीक है हमारे पास एक नई तरीके की लकड़ी आ गई है, इससे हम अपने फर्श वगैरह जो भी बनाना वो बना सकते हैं। बाकी हमारे पास स्टेयर्स भी है और स्लैब्स भी है और हमारे पास ये भी है भाई फैंस और फैंस के गेट, सारी चीज़ें हमारे पास। इसके अलावा एक चीज़ बतानी भूल गया मैं कि इससे जो सैपलिंग मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है जो कि भाई सच में अच्छी लग रही है। देखो तो देखो मैंने कुछ सैपलिंग्स यहाँ पर लगाई है, हमारे पास मैंग्रोव की भी सैपलिंग है, ये थोड़ा अलग तरीके से उगती है बस सैपलिंग है। बाकी इनमें से सबसे ज़्यादा अलग जो दिख रही है ना वो मुझे यही वाली दिख रही है क्योंकि नई है ना ये, और इसका कलर भी मिक्सअप ना बहुत अच्छा हो रखा है, अच्छी लग रही है ये। इसी के साथ ही इसमें यहाँ पर लकड़ियों से ये गेट भी आएंगे कुछ इस तरीके से, अच्छे लग रहे हैं भाई गेट। और हमारे पास डोर भी आ जाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से जालियां निकली हुई मिलेगी, ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं। ये देखो बैम्बू की इतनी सारी चीजें ऐड हो चुकी है, सेम इतनी सारी ये इस लकड़ी की भी यहाँ पर ऐड हुई है, तो दो दो तरह की चीजें हैं यहाँ पर। बटन्स भी है इसके और बोर्ड भी है देखो कुछ इस तरीके से। साथ ही हमारे पास है ये, अरे लटकने वाले बोर्ड के लिए तो लटकने वाली जगह चाहिए ना, तो ये यहाँ पर ऐसे भाई अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सुथरा सा लग रहा है, क्लीन। और बोट कुछ इस तरीके की दिखेगी, चेस वाली बोट है भाई, अच्छी चीज है ये जो भी चीज आ रही है। मेरे को तो ये बायोम सच में बहुत अच्छी लगी है, थोड़ी हरी भरी है और अच्छी है। इसी के साथ अगर ग्रास थोड़ी सी चेंज हो जाए ना भाई फिर तो लुक इतना तगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नई बायोम बन जाएगी। जैसे कि बाकियों की ग्रास है वो देखो वहां पर कैसे ग्रास है, वो वहां पर वैसी है, तो इसको भी चेंज करना चाहिए थोड़ा सा। बाकी अब हमारी एक खास चीज जो कि है स्निफर, स्निफर ऐड हो चुका है इस माइनक्राफ्ट के अंदर, तो 1.20 में स्निफर आने वाला है जो कि होगा कुछ इस तरीके। अरे यार मरना नहीं स्निफर, देखो ये है हमारा स्निफर, मैं कोई प्लेन जगह पे जाता हूँ यार, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा देखने। ये है वो स्निफर, अगर इस पे राइट क्लिक करूँ तो हमें मिल जाएगा छोटा सा बेबी। ओ ये बी सूंघ रहा था, ओ ये भी सूंघ रहा है, ये दोनों लगे पड़े है। ये देखो सूंघने की कोशिश, वही जो पहले बताया गया था कि सूंघेगा और एक ना एक बीज निकाल के देगा, अब ये बीज कौन से निकाल के देगा वो अभी बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड। कुछ मिला क्या? मिला इसे, ओहो हो मिला, तो इस तरीके से बीज ढूंढने वाला है और ऐसे ये देगा ये वाले बीज। ये कौन से दिए? टॉर्च फ्लावर सीड,
ऐसी नई नई चीजें देगा। तो जितने भी स्निफर है मेरे ख्याल से नेचुरली स्पॉन नहीं होने वाले, इनका आपको अंडा मिलेगा जमीन के अंदर, मतलब ऐसे पानी के अंदर यहाँ पे ऐसे अंडा ये नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये उगने वाला है हो से, और यहाँ पर एक हो मारो और इसको उगा दो भाई, और जब इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये मिलता है पूरा का पूरा एक फ्लावर, अगर मैं गेम मोड सर्वाइवल कर दूं तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ ये इस तरीके से। तो ये पहला प्लांट है जो अभी आया है, मुझे पता है और भी प्लांट इसके साथ आने वाले। और स्निफर जो यहाँ पर ऐड हुआ है ना, इसका ऐड करने का भी मतलब यही है, ताकि नई नई चीज के सीड आए और नई नई चीजें आए। क्या हम इस पे सैडल लगा सकते हैं? अभी शायद से कुछ कर नहीं पाएंगे, या इस पे सैडल नहीं लग पाएगी, पर जो भी है ये देखा सूंघता है भाई। क्या कैमल है इसमें? अरे कैमल भी है। नए नए मोब्स, नई नई चीजें, सब कुछ आने वाली है 20 में। और डेजर्ट का भी अपडेट है, साथ में एक नई बायोम का भी अपडेट है। अब डेजर्ट में चलते हैं दोबारा से एक और अपडेट दिखाने के लिए। तो डेजर्ट अब पहले जैसा डेजर्ट नहीं बनने वाला है, यहाँ पर हम खोजबीन कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अपनी क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। और क्राफ्टिंग में मैं स्ट्रिंग को ऐसे रख के और यहाँ पर पिकैक्स की रेसिपी से ये चीज बना सकते हैं, एक ब्रश। तो ब्रश ऐड होने वाला है, ब्रश नहीं होता, ब्रश होता है भाई, ब्रश एक ऐड होने वाला है। और ये काम करता है भाई खोजबीन करने में, तो इस तरीके से मैं खोजबीन कर सकता हूँ। लेकिन खोजबीन कहाँ करनी है वो ब्लॉक मुझे ढूंढने पड़ेंगे, जो कि मिलते हैं डेजर्ट पिरामिड के आसपास। मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा क्या तोड़ के? चलो अंदर आ चुके हैं डेजर्ट पिरामिड। तो ये डेजर्ट पिरामिड के अंदर मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन से वो वाले ब्लॉक्स है जहां पर मैं ब्रश मारने वाला हूँ। ये जो डेजर्ट टेम्पल है ना, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर ऐड कर दिया गया है भाई। ये तो हमारा है ही, यहाँ से खजाना लूटो, लेकिन एक और स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है जहां भी आपको ये दिखे ना ऐसे सैंड। क्या चारों तरफ सैंड है क्या? नहीं देखो, चारों तरफ नहीं दिखेगी आपको, कहीं ना कहीं दिखेगी, जैसे यहाँ पर सैंड दिख रही है। तो यहीं से आप जब खोदोगे अंदर तो आपको मिलेगी कुछ सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से चलने वाली। तो शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है सीढ़ियाँ। तो मैं जाए जा रहा हूँ अंदर जितना हो सके, देखते हैं कि क्या मिलता है। यहाँ एक स्ट्रक्चर होएगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ, या थोड़ा नीचे। ओ ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पर वो कुछ टूटा। तो ये शायद से वो टूटा था जो आवाज़ आई थी ना। हाँ देखो, ये टूटते ये दिख रहा है, ये वाली चीज़। इस पर हमें ब्रश मारना पड़ता है इस तरीके से। तो वो TNT, अरे वो छुप गया भाई। ये सही है, देखो इस तरीके से निकलता है और ये छुप जाता है भाई, पता चल जाता है कि क्या मिलने वाला है। तो इससे जैसे मैं ब्रश मारता रहूँगा तो ये मेरे को TNT मिल जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो? ये भाई एक्सप्लोरिंग है। और यहाँ पर देखो एक स्ट्रक्चर है, जो कि अगर मैं पूरा दिखाऊँ, मैं इसको खोलता हूँ पूरा जितना हो सके। देखो एक ये रहा पत्थर, इस पर ऐसे मारूंगा तो देखो धीरे धीरे निकल के आएगा सामान। क्या है क्या है? मेरे ख्याल से गन पाउडर है। गन पाउडर निकला है। तो ये एक एक्सप्लोरिंग का नया तरीका है और खजाना ढूंढने का एक नया तरीका है। वैसे तो ये एजुकेशन के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम भाई सीखते हैं कि कैसे एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पर, और इसके अंदर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से शायद से अपडेट में ला सकते हैं कुछ ना कुछ, पर यही अपडेट है और यहीं पे हमें मिलती है खोजबीन वाली चीज़ें। तो मेरे को ये सस्पिशियस वाली सैंड मिलेगी, ठीक है। ये वाली सैंड के अंदर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके की होगी, आपको अलग से दिख जाएगी जब भी आप ऐसे चलते आओगे। लेकिन ये मिलेगी डेजर्ट टेम्पल के आसपास या उसके अंदर, मेरे ख्याल से अंदर। वैसे मेरी चाल स्लो हो जाती है जब भी मैं काम करता हूँ। एनिमेशन भी है भाई ब्रश की, ये देखो, समझ रहे हो? अपनी मर्जी से मैंने लगाया, इसका मतलब हम चीट नहीं कर सकते इस ब्लॉक के साथ। देखो ये निकला, डायमंड निकल रहा है भाई। ओहो डायमंड मिला हमें, देख रहे हो? इस तरीके से हम यहाँ पर एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं और खजाने को निकाल सकते हैं जो भी आसपास का। ओ फिर से एक डायमंड निकल रहा है। तो ये अपडेट है क्या है? जो ये मैं ब्रश कर रहा था ना ऐसे करके, इन्हीं में से ही ये चीज़ें निकलती है, चार पीस, जो कि है एक शार्ड है, एक पोटरी के, मतलब कि एक वो बनेगा गुलदस्ता बनेगा उसके शार्ड है ये। देखो ये इस तरीके की आती है थोड़ी सी। क्या इसमें मैं फ्लावर लगा सकता हूँ? रुको, कोई सा भी फ्लावर लगा के देखते हैं। नहीं ठीक है, इसमें फ्लावर नहीं लग सकता। वो क्या मैं इसको पोट में लगा सकता हूँ, जो ये वाली फसल मैंने अभी ली थी प्लांट वाली, देखते हैं। वो लगा सकते हैं, अच्छी लग रही है। तो ये चीज़ इसमें नहीं लग रही, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जो भी होगा ये अच्छा होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं दिखता भाई प्लेन, ये मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है, कि जब मेरे को ये पीस मिल जाएंगे ना चारों, तो ये चारों पीस मुझे ऐसे रखने पड़ेंगे इस तरीके से, तो मेरे को मिल जाएगा ये डेकोरेशन पोर्ट, जो कि होगा डिज़ाइन वाला। तो ये इस तरीके का होगा, और ये रख रहा हूँ तो ये प्लेन वाला है। तो देख रहे हो ये वाला है वो चीज़। मैं इसको एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करता हूँ, और रख सकता हूँ। देखो एक के ऊपर एक रखते तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना वो हट जाता है,
तो इस तरीके से चारों तरफ इसमें वो डिज़ाइन बने हुए हैं। मेरे को नहीं पता ये किस काम के लिए आने वाले हैं, लेकिन हाँ इससे हम पिलर्स वगैरह ऐसी चीज़ें तो बना ही सकते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे हाथ से तोड़ सकता हूँ। अगर मैं इसको हाथ से तोड़ता हूँ तो सिंगल क्लिक पर ऐसे तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको पिकैक्स से तोड़ता हूँ तो इसके टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं। क्या मैं नीचे वाला तोड़ूँ तो गिरेगा? नहीं नहीं गिरेगा, ठीक है। और ये तो अभी हमारा लास्ट का स्नैपशॉट, अभी तो पता नहीं भाई कौन कौन से स्नैपशॉट आने वाले हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको ये अपडेट कैसा लग रहा है, और कमेंट करके ये भी बताना कि जो अगला अपडेट होने वाला है उसमें क्या क्या और नई नई चीजें इनमें बदलाव हो सकती है, कुछ आइडिया दो भाई अपना। तब तक वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए पसंद है।